सवाल है हमारा, ठीक है। इस सवाल सवाल नंबर 8 इम्पोर्टेंट भी है, आता भी पेपर में। इस सवाल को समझने के लिए पहले ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि इधर ध्यान दो जरा, इधर ध्यान देने वाली बात है, इधर ध्यान दो। मान लिया ई की पावर लॉग एक्स है, कोई फंक्शन है, तो ये लॉग और ई आपस में कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म होंगे? अब रटने की तो बात यह है, लॉग से ई कट जाता, मगर कटा कैसे, ये खत्म कैसे होता, वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इसे मान लिया ये हमारा फंक्शन है, ई की पावर लॉग एक्स लिखा हुआ, तो इसे हमने मान लिया, इसे हमने बाई बराबर मान लिया, इस पर लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लिया इसके, लॉग बाई बराबर लॉग ई की पावर, लॉग ई की पावर लॉग एक्स। अब ये यहाँ पे आ गया, समझ गए? तो लॉग बाई बराबर कितना आ गया, लॉग एक्स इंटू लॉग ई, लॉग ई का मान कितना होता, 1, तो ये कितना हो गया, लॉग बाई बराबर लॉग एक्स इंटू 1, मतलब लॉग बाई बराबर लॉग एक्स। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जब एंटी लॉग लेते हैं तो वो लॉग को काट देता है, तो बाई बराबर कितना आ गया, एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ई की पावर में अगर लॉग है तो लॉग और ये आपस में खत्म हो जाते हैं, कितना बचा, एक्स। जिसे ये बात पता होगी वही सवाल को कर सकता है इसको। अगर ई की पावर में लॉग है तो समझ लो लॉग और ये आपस में खत्म हो जाए, खत्म कैसे होंगे वो मैंने तुम्हें बता दिया, समझ गया, पूरी जड़ बता दी है इसकी, रटवाने से कोई फायदा नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, 5 है तो 5 यहाँ चला जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है ई की पावर, ये हो गया लॉग एक्स की पावर 5 माइनस, इसी तरह से ये 4 उठ के यहाँ पे चला जाएगा, लॉग एक्स की पावर 4 बटे ई लॉग एक्स की पावर 3 माइनस ई की पावर लॉग एक्स की पावर 2 डी एक्स। अब देखो जैसे मैंने बताया लॉग से ई कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 बटे एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 डी एक्स, ठीक है। ऊपर से एक्स की पावर 4 कॉमन लेंगे और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स की पावर 4 ऊपर से कॉमन लिया तो कितना बचा, एक्स माइनस 1, और नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना, एक्स माइनस 1 डी एक्स, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल तो कितनी बची, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, ये इसका आंसर आता पेपर में। तो नवा सवाल देखो, चल रही है 9 क्वेश्चन है हमारा। आई बराबर इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, कुछ ध्यान आया, ये तो सिंपल ही सवाल है। साइन एक्स को टी मान लेंगे तो कोस एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस टी स्क्वायर, फिर 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और सवाल हमारा हो जाएगा। हमने मान लिया, माना साइन एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स का कितना हो गया कोस एक्स डी एक्स बराबर कितना डी टी, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये तो सब डी टी में चला गया, 1 अपॉन 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला होता हमारा, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, साइन इनवर्स में होता, क्या होता, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा आई बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब टी अपॉन 2 प्लस सी, टी का मान रख देंगे यहाँ पे, तो आई बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स बटे 2 प्लस सी, साइन से साइन मत काट दो, बटे में 2 रखा हुआ है। सवाल देखो भाई जरा, सवाल नंबर कौन सा, 10वां, देखियो आ रही है उसमें पूरा ना,
साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x, भारी सवाल है ध्यान देना, अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो ये सवाल है, अब इसे कैसे करेंगे, साइन एक्स को टी मानू तो यहाँ पे भी कोस एक्स है, ऊपर भी कोस एक्स रखा, अगर खाली एक कोस एक्स होता तो डी एक्स में चला जाता, कोस को मानू तब भी नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी 8 पावर दे रखी है इसने, 8 8 दोनों जगह लगी हुई, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, मतलब कहीं ना कहीं फॉर्मूला बन गया है, समझ गए? नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला स्क्वायर लगा हुआ है ना, अगर स्क्वायर ना होता तो फॉर्मूला बन जाता, और स्क्वायर है तो यहाँ 4 होना चाहिए था, तब भी कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब इसी में कुछ है, क्योंकि 8 8 पावर इसने बड़े हिसाब से दी, स्क्वायर बन गया यहाँ पे, तो इसे हम लिखेंगे साइन की पावर 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पे, इसे हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं कोस की पावर 4x का होल स्क्वायर। समझते रहिए, समझने का सवाल नहीं है, अभी उतारने में लग जाओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे कुछ नहीं करेंगे, ये नीचे का पूरा ऐसे इसमें ख़त्म होगा। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसे जोड़ लेंगे, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, एक बार जोड़ लिया, और एक बार क्या करेंगे इसे घटा लेंगे, साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x बटे, नीचे कुछ नहीं करेंगे ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, साइन की पावर 4x है, कोस की पावर 4x है, फॉर्मूला बन ही नहीं रहा, माइनस होना चाहिए, मगर इसमें कर सकते हैं, इसमें फिर फॉर्मूला बना सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसमें, तो इसे ऐसे लिख लिया, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, इसमें फॉर्मूला बनाना है हमें, इसे साइन की पावर 4x को लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे ऐसी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स, इसे फिर एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, एक बार जोड़ लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और एक बार घटा लिया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो बन गया हमारा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, आई बराबर साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 इंटू, इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है अभी, अभी तो फिलहाल ऐसे लिख लेंगे इसे, ये बन खत्म कर लेंगे, और यहाँ ये फॉर्मूला बाद में बचा कर चलेंगे, कोस टू थीटा का फॉर्मूला बन गया, मगर मेन चीज तो ये है इन्हें खत्म करना है, अब इन्हें खत्म करने में ही ट्रिक है, देखो जरा, आई बराबर ये कितना है हमारा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, प्लस में है ना, प्लस में ना होता तो फॉर्मूला बन जाता, ये हमारा बन खत्म हो गया मल्टीप्लाई में, इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बटे नीचे कितना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दोनों चीज़ें सेम ही लिखी हुई हैं, ये दोनों चीज़ें सेम है, ये कटेंगी, अभी हमें देखने में नहीं लग रही, या तो इसे बदल लेंगे या इसे बदल लेंगे, समझ गए आप कैसे बदलेंगे, देखो साइन की पावर ऊपर 4x है, इसके अंदर काम करना जो करना, साइन की पावर 4x है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस की पावर 4x को क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर
ठीक है, आ गया इसमें कोना ना, देखते रहिए ध्यान रखिए, प्लस इसके अंदर हूँ मैं इस ब्रैकेट के, अपनी तरफ से मैंने 2 sin² x जोड़ा, 2 sin² x cos स्क्वायर x अपनी तरफ से जोड़ा और इतना ही मैंने घटा दिया, 2 sin² x cos स्क्वायर x इतना ही जोड़ा और इतना ही घटा दिया अपनी तरफ से, ठीक है। अब देखो जरा, अब क्या करेंगे, इतना जोड़ा इतना घटा दिया इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसे ऐसे लिख रहे हैं दिया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे लिख रहे हैं दिया, बटे 1 - 2 sin² x कोस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, इतना समझ में आ गया। इसके अंदर क्या करा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर इतना ही अपनी तरफ से जोड़ दिया, इतना ही घटा दिया फॉर्मूला बनाने के लिए। अब देखो ध्यान से देखो, ये इतना ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये फॉर्मूला बन गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर का, और माइनस ये ऐसे लिखा रहने दिया 2 sin² x कोस स्क्वायर एक्स, और ये ऐसे चल लिया हमारा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे बटे 1 - 2 sin² x कोस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 2 sin² x कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाओ 1 - 2 sin² x कोस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, ये पूरा सेम हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर हमारा हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 sin² x कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 - 2 sin² x कोस स्क्वायर एक्स, ये सेम चीज़ें हुई, इससे ये कैंसिल हो गया, यह जाके कवर में आया सवाल, ये आई बराबर कितना बचा हमारा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये फॉर्मूला नहीं होता, मगर अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर लूँ, तो ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, समझ गए, प्लस है नहीं ना, प्लस होता तो कोई दिक्कत ही ना, माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया हमारा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये फॉर्मूला होता हमारा कोस 2x का। देखियो आ रही है इसमें मोबाइल, अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा आई बराबर कोस 2x का, और कोस का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता, साइन 2x, कांस्टेंट 2 कांस्टेंट है तो अपन में 2 + c, ये आंसर हो गया, उतारो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। x प्लस a कोस x प्लस b डी एक्स, ये सवाल हम कर चुके हैं, कुछ याद आ रहा हो तो देखो, ये हमारा सवाल है आई बराबर 1/cos x + a कोस एक्स प्लस बी, हमने इसका नाम रखा था पहले इस सवाल का सैमसंग, सैमसंग मतलब अगर नीचे सेम है, नीचे सेम है तो संग का मतलब साइन से गुणा होती है, इनका नाम रखा था सैमसंग वाले सवाल, कुछ याद आ रहा, और किससे गुणा करी थी आंसर हर में, साइन बी माइनस ए से, चाहे बी माइनस ए से कर लो चाहे ए माइनस बी से कर लो, किसी से भी गुणा कर सकते हो, ठीक है, दोनों में प्लस है, किसी से भी गुणा कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी से करें या ए माइनस बी मतलब बी माइनस ए से, अंशतः हर में, अंशतः हर में साइन ए माइनस बी से गुणा करने पर
आंसर हर में साइन ए माइनस बी से गुणा कर ली। तो देखो साइन ए माइनस बी से ऊपर गुणा करी और भाग वाला यहाँ को रख दिया साइन ए माइनस बी। कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। अब इसमें इस गुणा करने के बाद करना क्या होता, जो नीचे है ये दोनों ब्रैकेट ये इसके अंदर बनाने। अब अंदर बनाने के लिए x जोड़ देंगे x घटा देंगे। इम्पोर्टेंट सवालों में गिना जाता है ये। एक इसी के जैसे एक उदाहरण है ए बी वाला। साइन इस a माइनस बी के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे x जोड़ दिया और x ही घटा दिया, बीच में कोई x जोड़ दिया और बीच में से x घटा दिया। नीचे cos x प्लस ए और cos एक्स प्लस बी एज इट ऐसे रहे। ऊपर इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके, क्योंकि हमें सेम ब्रैकेट बनाने, इसे एक्स प्लस ए कर लेंगे और ये हो जाएगा एक्स प्लस बी, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऊपर साइन, इसे एक्स प्लस ए लिख लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया दोनों जगह से, कितना हो जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी और ये डी एक्स। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा साइन ए माइनस साइन बी का। साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। वन बटे साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ऊपर फॉर्मूला लगाना है हमें साइन ए की जगह ये ब्रैकेट, क्योंकि ये ए हो गया ये बी हो गया, साइन ए कोस बी, माइनस वाले में माइनस ही आता है इसमें, माइनस कोस ए इंटू साइन बी, बी की जगह एक्स प्लस बी अपॉन, नीचे कुछ कर ही नहीं है, कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी बाहर डी एक्स। अब इसके बाद क्या करते थे हम, इसके बटे में ये अलग कर लेंगे, इसके बटे में ये अलग कर लेंगे, एलसीएम तोड़ लेंगे। ठीक है, क्यों सवाल में दिमाग लगा लेता इतनी देर में, तो जैकेट में दिमाग लगाने से अच्छा सवाल में लगा लो। आई बराबर वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, इधर ध्यान दो जरा, अरे इधर ध्यान दो, साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी अपॉन, अपॉन में ये लिख लेंगे कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी माइनस कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी अपॉन कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, कोस एक्स प्लस बी से कोस एक्स प्लस बी कैंसिल, कोस एक्स प्लस ए से कोस एक्स प्लस ए कैंसिल, तो आई बराबर हो गया वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, कितना बचा साइन एक्स प्लस ए अपॉन कोस एक्स प्लस ए माइनस साइन एक्स प्लस बी अपॉन कोस एक्स प्लस बी डी एक्स। साइन अपॉन कोस कितना हो गया टेन, साइन अपॉन कोस कितना हो गया टेन, तब आई बराबर हो गया हमारा वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया टेन, टेन एक्स प्लस ए, टेन एक्स प्लस ए माइनस टेन एक्स प्लस बी। अब टेन का फॉर्मूला लगा देंगे, टेन का फॉर्मूला क्या होता, दो होते हैं, माइनस लॉग सेक एक्स भी होता वो प्लस लॉग सेक एक्स भी होता और माइनस लॉग कोस एक्स भी होता, लॉग सेक एक्स लगा देंगे तो आई बराबर ये हो गया वन अपॉन साइन ए माइनस बी
आंसर देखो किस फॉर्म में छोड़ रखा, इसका फॉर्मूला लगा दिया लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस ए माइनस लॉग लॉग सेक एक्स प्लस बी और प्लस सी, ये फॉर्मूला बन गया लॉग एम बटे लॉग एन, आई बराबर वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू, ये फॉर्मूला बन गया लॉग, हाँ बात एक ही है वहाँ घुमा देंगे कोई बात नहीं, लॉग एम बटे एन सेक एक्स प्लस ए बटे सेक एक्स प्लस बी प्लस सी, इन्होंने कोस वाला फार्मूला लगा रखा माइनस लॉग कोस एक्स, तो हम यहाँ पे ही घुमा सकते हैं, हमें पता सेक क्या होता वन बटे कोस, वन बटे साइन ए माइनस बी इंटू लॉग, इसे लगा लेंगे वन अपॉन कोस एक्स प्लस ए और इसे लिख लेंगे वन अपॉन कोस एक्स प्लस बी प्लस सी, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो आई बराबर वन अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग कोस एक्स प्लस बी अपॉन कोस एक्स प्लस ए प्लस सी आंसर।